गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हम हाउस और उसके डिफरेंट रूम्स के बारे में पढ़े थे। इसमें हमने ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और डाइनिंग रूम के बारे में पढ़ा। इन रूम्स का उपयोग हम किन कामों में करते हैं और उनमें कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में आती हैं, इनके नेम हमने रीड करके लर्न किए। आज की क्लास में हम किचन, बेडरूम और बाथरूम के बारे में पढ़ेंगे और इनका उपयोग हम किन कामों के लिए करते हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी थिंग्स उपयोग में आती हैं, उनके नेम को रीड करेंगे। आज की क्लास में हम सिक्स लेसन माय किचन पढ़ेंगे। आपको पता है ना, सभी घर में किचन होता है जहाँ पर मम्मी खाना बनाती हैं। तो किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपने देखी होगी ना, तो आइए देखते हैं किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनके नेम को रीड करते हैं। व्हाट इज दिस? ग्लास स्टैंड, ग्लास स्टैंड। यूटेंसिल स्टैंड, सिंक, टैप, डस्टबिन, फ्राई पैन, पैन, कुकिंग रेंज मीन्स गैस स्टोव, मिक्सर, ड्रॉर्स, स्पाइस केस, टिफिन, वाटर फिल्टर, वेजिटेबल्स। बच्चों, आपको किचन के सेफ्टी रूल्स के बारे में पता है? किचन में गैस स्टोव से बच्चों को दूर रहना चाहिए और किचन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए। यूज़ होने के बाद उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उनको टच करने के पहले हैंड वॉश किए जाने चाहिए। साथ ही कुक्ड फूड को कवर करके रखना चाहिए। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ग्लास स्टैंड, नाउ वी विल सी वंस अगेन। ग्लास स्टैंड, यूटेंसिल स्टैंड, मिक्सर, पैन। नाउ वी विल सी वंस अगेन। ग्लास स्टैंड, यूटेंसिल स्टैंड, मिक्सर, पैन, फ्राई पैन, गैस स्टोव, क्रॉकरी सेट, ड्रॉर्स, स्पाइस केस, टिफिन, वाटर फिल्टर, वेजिटेबल्स, डस्टबिन। वंस अगेन वी विल रीड वॉल क्लॉक, सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर, वॉल पेंटिंग, कर्टन, डोर, टीवी, फ्लावर वास, टेलीफोन, नाइट लैंप्स, पिलो, बेड, रेस्टिंग चेयर, फ्लोर मेट, ड्रेसिंग टेबल एंड स्टूल। बेडरूम में सभी थिंग्स को, सभी चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट लेसन माय बाथरूम। बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपको पता है ना, आइए पढ़ते हैं।
टॉवल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वॉश बेसिन, सोप, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, गीजर, शॉवर, बाथटब, टैप, डस्टबिन, लेवेटरी। बाथरूम में हमेशा सोप का यूज़ करने के बाद में उसे प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, साथ ही हैंड वॉश करने के बाद में तुरंत नल को बंद कर देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है, वाटर को हमें हमेशा सेव करना चाहिए। आपको इन सभी चीज़ों के नाम रीड करना है और लर्न करना है। थैंक यू।